हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडी टिप्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये मेकअप लुक होने वाला है रक्षाबंधन इंस्पायर्ड मेकअप लुक। काफ़ी ही इजी एंड सटल मेकअप लुक है एंड ये काफ़ी न्यूट्रल आईज है। आपके किसी भी आउटफिट के साथ ये मैच करेगा। कोई भी आप इंडियन आउटफिट अगर कैरी करते हैं उसके साथ बिल्कुल मैच करेगा। एंड ये गोल्ड झुमका मैंने कैरी कराया इस लुक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिससे कि हमारी फैमिली जो है यूट्यूब की और जल्दी अच्छे से ग्रूम हो पाए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का लिप बाम एंड ये आमंड लिप बाम है। काफ़ी ऑयल बेस्ड लिप बाम है। अगर आपके एक्सट्रीमली चैप लिप्स है तो काफ़ी ही अच्छा है। फॉर प्राइम माय फेस आई एम यूजिंग नायका प्रेपी अप प्राइमर एंड प्राइमर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड स्पेशली इन समर सीजन। रीज़न ये आपकी स्वेटिंग को भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करता है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानिका कंसील प्लस परफेक्ट टू इन वन फाउंडेशन। काफ़ी ही अच्छा फाउंडेशन है, ड्यूई फिनिश के साथ आपको मिलता है। प्लस ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देगा। ऑयली स्किन के लिए आपको अपनी स्किन अच्छे से प्रेप करनी पड़ेगी एंड ड्राई स्किन के लिए काफ़ी ही अच्छा फाउंडेशन है। बिल्कुल भी केकीनेस आपको नहीं लगेगी। लाइक आपको लगेगा हमने कोई स्ट्रॉप क्रीम फर्स्ट अप्लाई करी है देन आपने फाउंडेशन अप्लाई करा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्रो कंसील एले गर्ल प्रो कंसील HD कंसीलर अंडर माय आई एंड ओवर माय आई लिड एंड ओवर माय आईब्रोज एज यूजल। आई एम गोना दिस कंसीलर एग्जैक्टली मैच विद माय स्किन टोन। मैं कोई हाइलाइटिंग के लिए यूज़ नहीं कर रही। रीज़न डे टू डे एंड रक्षाबंधन से सटल फेस्टिवल के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सटल मेकअप करना अच्छा लगता है। रीज़न आपको पूरा दिन कैरी करना होता है। नेक्स्ट मैं सेम फाउंडेशन ब्रश मेबलिन का फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन लूज पाउडर टू सेट माय फेस। काफ़ी अच्छा लूज पाउडर है। इसको मैं फ्लफी पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने फेस को पाउडर कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा एक्सेस यूज़ नहीं करूँगी मैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैलेट शुगर की मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टोर ब्लश एंड हाइलाइटिंग। एंड मैंने अपना आई लुक भी इसी पैलेट की हेल्प से पूरा का पूरा क्रिएट करा है। एंड आपको लिटिल बिट अपना कॉन्टोर यूज़ करना है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करनी। रीज़न ये डे मेकअप लुक होगा एंड आप थोड़ा सा सटल रखना जिससे कि अगर और अच्छे से ब्लेंड करना जिससे कि कोई भी हार्श लाइन आपको शो ना हो। नेक्स्ट मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द सेम पैलेट। अराउंड इसकी MRP 700 है एंड मैक्सिमम द टाइम आपको ये नायका पे सेल पे अवेलेबल हो जाएगी वेरी इजीली। एंड नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी चिकबोन पे हाईलाइटर फ्रॉम द सेम पैलेट। इसका सिल्वर अंडरटोन हाइलाइटर है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज़ करना थोड़ा अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा चौकी लाइक आपको लगेगा कि आपने कुछ ज़्यादा ही अप्लाई करा है, तो थोड़ा लिटिल बिट उसको कम अप्लाई करें। नेक्स्ट मैं कॉन्टोर शेड लेके अपनी आई क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड थोड़ा सा मैं उसको ना ओवर माय क्रीज लेके जाऊँगी जिससे कि थोड़ा स्मोकीनेस लगे। रीज़न मैं यहाँ पे कोई और शेड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी तो थोड़ा कॉन्टोर को अच्छे से बफेट ब्लेंड करूँगी अच्छे से जिससे कि अच्छे से एक ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ब्लश ऑल ओवर माय आईलिड एंड इसको अच्छे से प्लेस करना है, उसके बाद आप ब्लेंड करें। रीज़न एक बार प्लेस अच्छे से हो जाता है तो ब्लेंड करना ईजी रहता है। एंड यहाँ पे मैं एक फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी विद द सेम हाइलाइटर एंड मैं यहाँ पे वेगा का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। नाउ विद द सेम
ब्लेंडिंग ब्रश मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड करूँगी. आई फॉरगॉट टू अप्लाई काजल. इफ़ यू लव टू अप्लाई काजल देन प्लीज़ गो फॉर इट. एंड नाउ मैंने अपनी ब्रो को भी अच्छे से मस्कारा से फिल इन करा है, अच्छे से मस्कारा कोट करा है अपनी ब्रोज पे. एंड नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन पुशअप ड्रामा मस्कारा. आप इसको अच्छे से इवनली अपने पूरी लैश लाइन पे अप्लाई कीजिए, इनर एंड आउटर पे अच्छे से आप इसको अप्लाई करेंगे. काफ़ी प्यारा मस्कारा है, वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो स्टे करने वाला है आपको लॉन्ग टाइम के लिए. एंड अगर आपने मेरी गार्नियर मिसलर वाटर की वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें जाके देखें कि मैंने सेम मस्कारा अप्लाई करा था. एंड मिसलर वाटर से भी ये काफ़ी टाइम लिया था इसने हटने के लिए, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मस्कारा है. एंड अगर वो आपको मेरी वीडियो देखनी है मैं आपको लिंक अपना आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक इन माई रेड लिपस्टिक फ्रॉम मेबेलिन. एंड देन मैं NYX की न्यूड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ. एंड गाइस दिस इज़ माई फाइनल लुक. आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी. एंड काफ़ी ही प्यारा समरी मेकअप लुक है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. अगर आपको भी ये मेरा मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा लुक कैसा लगा. एंड अदर फ्यूचर वीडियो सजेशंस है तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द सेम. मैं उन पर वीडियोज़ क्रिएट करके आपको जल्दी से जल्दी पहुँचाऊँगी. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड माई चैनल. I hope you like and please subscribe my channel, share with your friends and family too. Take care, bye.